सुप्रभात बच्चों, पिछले क्लास में हमने जागो प्यारे उसका पद्य का अध्ययन किया था। अभी आज हम उसका प्रश्न उत्तर देखेंगे, ठीक है। जो आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे ऊपर पे ऊपर हिस्से मिडिल में लिखना है जागो प्यारे, ऐसे सेंटर में लिखना है। यहाँ पे डेट लिखना है और यहाँ पे शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ बहुत सारे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पे इतना जगह जितना भी हो सकता है, एक पेज होता है तो एक पेज लिखिए और दूसरे पेज पे प्रश्न उत्तर लिखिए, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे एक दो लाइन छोड़ के आपको दिखाने के लिए यहाँ पे प्रश्न उत्तर लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर है प्रश्नोत्तर लिखित, प्रश्नोत्तर लिखित, ठीक है। पहला जो प्रश्न है, देखिए मैंने एक लाइन छोड़ा है, उसी तरीके से भी आपको भी सिस्टमेटिकली हिंदी लिखना है। आप दो लाइन के बुक में आपको हिंदी लिखना है, एक लाइन का बुक यूज़ नहीं करना है, आपको दो लाइन के बुक्स ही यूज़ करने हैं, दो लाइन के बुक नोटबुक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए मैं लिख रही हूँ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। पहला प्रश्न है उसमें माँ किसे जगा रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रश्न लिखना है, मैं सिर्फ यहाँ पे उत्तर लिखते जाऊँगी, आपको यहाँ पे प्रश्न लिखवाना है। यू हैव टू राइट योर क्वेश्चन। ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ನಾನು ಬರೀ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ, ಆಯಿತಾ? ಮಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಮಾ ಕಿಸೆ ಜಗಾ ರಹಿ ಹೇ, ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾ ಆತಾ ಹೇ, ಮಾ ಅಪ್ನೇ ಲಾಲ್ ಯಾನಿ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಬೇಟಾ, ಲಾಲ್ ಕೋ जगा रही है, ठीक है। माँ अपने लाल को जगा रही है, ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अभी जो है दूसरा प्रश्न, एक लाइन छोड़ा है मैंने, उसी तरीके से आपको भी क्या करना है, यदि आप दो लाइन में लिख रहे हैं तो एक लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी वहाँ पे गैप रहता ही है। तो दूसरा प्रश्न होगा, प्रातःकाल होते ही फूलों पर कौन मंडराने लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रातःकाल होते ही फूलों पर कौन मंडराने लगते हैं, उत्तर क्या है इसका। यहाँ पे मैंने प्रश्न के लिए जगह छोड़ दी है, तो यहाँ पे उत्तर मैं लिखूँगी, प्रातःकाल होते ही फूलों पर भौरे, आई टोल्ड यू नो बम्बल बीज, भौरे मंडराने लगती है, ठीक है। भौरे मंडराने लगती है या लगते हैं, ये हो गया दूसरा प्रश्न का उत्तर। अभी जो है तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पे ऐसे लिखूंगी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। प्रश्न प्रश्न ये देखिए,
यहाँ पे प्रश्न लिखना है, यहाँ पे मैंने उत्तर लिख दिया। अभी मैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न का तीसरे प्रश्न के लिए लाइन एक छोड़ दूंगी, ठीक है। प्रातःकाल की हवा कैसी होती है, तीसरा प्रश्न है, प्रातःकाल की हवा कैसी होती है। प्रातःकाल की हवा, माफ़ कीजिए, प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर नीचे लिख दूंगी। प्रातःकाल की हवा हवा अति सुंदर होती है, ठीक है। वाक्य कंप्लीट होने के बाद ये चिन्ह लगाना ज़रूरी है। इन इंग्लिश और कन्नडा, इन वॉट विचएवर वॉट लैंग्वेज यू आर यूजिंग, एट लास्ट यू आर गिविंग फुल पॉइंट ना, लाइक दैट ओनली, दिस इज़ द फुल पॉइंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ओके। फोर्थ क्वेश्चन इज, पेड़ों पर कौन चहकते हैं, प्रश्न है, पेड़ों पर कौन चहकते हैं, उत्तर क्या है इसका, उत्तर जो है, पेड़ों पर चिड़िया चहक रही है, ठीक है, पेड़ों पर चिड़िया चहक रही है। उसके बाद है पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, प्रातःकाल का आकाश कैसा दिखाई देता है। प्रातःकाल का आकाश प्यारा या प्यारी लाली छाए जैसे दिखाई देता है, ठीक है। ये हो गया पांच प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। देखिए अभी छठा प्रश्न, ठीक है, छठा प्रश्न, जल में किसकी छाया पड़ रही है, जल में सूरज की छाया पड़ रही है, ठीक है। ये हो गया छठा प्रश्न। अभी प्रश्न नंबर सातवा, ठीक है, सातवा प्रश्न क्या है, भोर होने का संदेश कौन देता है, उत्तर यहाँ पे लिखती हूँ, भोर होने का संदेश सूरज देता है, ठीक है,
और आठवां प्रश्न है, हमें सुबह होने पर क्या नहीं करना चाहिए, हमें सुबह होने पर क्या नहीं करना चाहिए। उत्तर है, हमें सुबह होने पर सोना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गए प्रश्नों के उत्तर, आठ प्रश्नों के उत्तर हो गए। अभी जो है अगला जो है निम्नलिखित पंक्तियाँ पूरी कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियाँ पूरी कीजिए मीन्स राइट द पोयम। ओके, यहाँ पे आपको पोयम पे जो विनती पद्य है वहाँ पे जाइए और यहाँ पे मैं लिखूँगी, उसके आगे जो है जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे रहते हैं वैसे आपको ये पद्य को फिल करना है। देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगी कैसे है, निम्नलिखित पंक्तियों को, पंक्ति मीन्स लाइन, पंक्तियाँ पूरी कीजिए या पूरी करें। ठीक है, पानी लाई डैश 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 पूर्ण विराम। ओके, बाती डैश 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 फुल पॉइंट। ठीक है, उनके डैश 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 यहाँ पे बाती उसके बाद फूले। ठीक है, उसके बाद झूले, यहाँ पद्य को पूरा करना है। ये देखिए पेज नंबर फर्स्ट पे जाइए, वहाँ पे विनती पद्य है देखिए और ये शब्द ढूंढिए, पानी लाइए, उसके आगे जो है वहाँ कंप्लीट सेंटेंस कीजिए। उसके बाद बाती वो क्या है देखिए और उसका पूरा सेंटेंस फुल कीजिए। ठीक है, ये हो गया पद्य को पूरा करना। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आज के लिए होमवर्क रहेगा प्रातःकाल का दृश्य देखकर या देखकर उसका चित्र बनाकर आपको यहाँ पे कलरिंग करना है, उसमें रंग भरना है, रंग भरें। ठीक है, यहाँ पे आप एक पेज पे बड़े पेज पे आप चित्र निकालिए और उसका कलरिंग कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम अगले क्लास में इसके आगे का जो है वो भी बहते सुंदर हवा उसको भी पद पूरा करना है, वो अगले क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।